तेते पांव पसारिए जितनी लंबी सोर। अकबर बादशाह बैठे थे राज्यसभा में। एक कारीगर ने एक बहुत सुंदर रेशमी चादर लाकर उन्हें दी। बहुत अच्छे और सुंदर रंगों के फूल उस पर बने थे। महाराज ने चादर खोली, देखा कि उनके शरीर से कुछ छोटी है। तभी उन्हें एक बात सूझी। चादर को उठाकर बोले, देखो भाई, मैं फर्श पर लेटता हूं, चादर को मेरे ऊपर उड़ा दो। अकबर भूमि पर बिछे कालीन पर लेट गए। कारीगर ने चादर उन पर उड़ाई तो पांव नंगे रह गए, पांव ढाके तो सिर नंगा रह गया। महाराज ने कहा, अरे तुम छोड़ो, तुम केवल अशिक्षित शिल्पी हो। ये बड़े बड़े विद्वान दरबारी बैठे हैं, इन्हें यहाँ कार्य करने दो। आओ भाई, कोई इधर आओ, यह चादर इस प्रकार मेरे ऊपर उड़ा दो कि शरीर का कोई भी अंग नंगा ना रहे। एक व्यक्ति बाहर आया, उसने प्रयत्न किया, परंतु परिणाम वही, सिर ढका तो पैर नंगे और पैर ढके तो सिर नंगा रह रहा था। महाराज ने क्रोध से कहा, मूर्ख हो तुम, हटो यहां से, किसी को आने दो। एक व्यक्ति आया, उसने भी प्रयत्न किया, परंतु परिणाम फिर वही। तब एक व्यक्ति और आया, और फिर और फिर और फिर और फिर और इसके बाद लोग आते गए, लेकिन उनसे किसी से भी चादर उड़ी नहीं। तो महाराज उठकर बैठ गए, बोले, तुम सब मूर्ख हो, यह छोटी सी बात भी नहीं कर सके। किसी ने कहा, महाराज, छोटी है, फिर हम क्या करें? महाराज बोले, आने दो बीरबल को, वह इस समस्या का समाधान करेगा। तभी पंडित बीरबल वहां आए। महाराज, आप किस प्रकार चिंता में हैं? महाराज ने कहा, बीरबल, ये सब दरबारी तुमसे ईर्ष्या करते हैं, कहते हैं कि हम जो तुम्हें अधिक प्यार करते हैं, जो व्यर्थ ही करते हैं, तुम्हारे गुणों के कारण नहीं। आज इन्हें बताओ कि तुम में क्या विशेषता है, या चादर है। हम चादर को चाहते हैं कि ये हमारे शरीर पर ढक जाए, परंतु ढकता ही नहीं। बीरबल ने चादर हाथ में लेकर देखा कि वस्तुतः यह छोटी तो है, लेकिन वह बोले, क्या चाहते हैं आप महाराज, बताइए। महाराज ने कालीन पर लेटकर कहा, इसको हमारे ऊपर इस प्रकार उड़ा दो कि शरीर का कोई अंग नंगा ना रहे। बीरबल ने कहा, यह तो कोई कठिन कार्य नहीं है, परंतु कृपा कर आप ठीक प्रकार से लेटिए। अकबर ने कहा, ठीक किस प्रकार? बीरबल ने कहा, जैसे बच्चा सोता है, घुटने छाती के साथ लगाकर, पैर समेटकर। महाराज वैसे ही लेट गए। बीरबल ने चादर उनके सिर पर उड़ा दी, सारा शरीर ढक गया, पांव भी सिर भी। बीरबल ने हंसते हुए कहा, महाराज, जितनी चादर हो उतने ही पैर फैलाने चाहिए, फिर ठीक प्रकार से काम बन जाता है। तब से यह मुहावरा आरंभ हुआ कि जितनी चादर हो उतने ही पांव फैलाओ, जितनी आय है उससे कम खर्च करो, अधिक व्यय करोगे तो काम चलेगा नहीं, तुम्हारा अपना ही खर्च पूरा नहीं होगा, तो दूसरे की सहायता तुम क्या करोगे? मैं यह नहीं कहता कि आप सब लोग उस कंजूस की भांति बन जाइए, जो घी के डिब्बे को अच्छी प्रकार बांध कर एक दीवार के साथ लटका दे रखता था, और भोजन करते समय उसकी ओर देखकर सूखी रोटी और बिना घी के सब्जी खा लेता था।
यह व्यक्ति एक दिन किसी दूसरे कंजूस को मिला। दोनों अपनी अपनी मितव्ययता की बात करने लगे। घी वाले ने कहा, मैंने 2 वर्ष पूर्व एक लोटा घी खरीदा था। अभी तक इसका बहुत बड़ा भाग ज्यों का त्यों है। दूसरा कंजूस ने कहा, तुम इसका प्रयोग कैसे करते हो? पहला बोला, भोजन करते समय उसकी ओर देख लेता हूँ, उसकी गंध सूंघ लेता हूँ। दूसरे ने कहा, बहुत अपव्ययी हो तुम। अरे, घी की रोटी के ऊपर भले ही घी मत लगाओ, लेकिन हवा लगने से वह कम तो होता ही है ना, उसका रस तो सूखता ही है। हमारे घर में 8 वर्ष पूर्व एक पंखा आया था। मेरे दादा ने इसे खरीदा था। सारा घर इसका प्रयोग करता है। अभी तक वह ज्यों का त्यों है, बिल्कुल ऐसा जैसे 60 वर्ष पूर्व था। पहले ने कहा, यह कैसे हो सकता है? तुम सब लोग 60 वर्ष से इसका प्रयोग कर रहे हो, तो कुछ ना कुछ तो वह घिसा होगा। दूसरे ने उत्तर दिया, तुमने सबको अपना जैसा मूर्ख समझ रखा है क्या? अरे, प्रयोग करने की विधि तो पूछो। हमने पंखे को एक संदूक में बंद करके रखा है, संदूक पर ताला लगा है। हमारे घर में जिस व्यक्ति को गर्मी लगती है वह उठता है, संदूक के चारों ओर घूम लेता है, समझ लेता है कि हवा आ गई। इतने में तीसरे कंजूस व्यक्ति ने वहां खड़ा था, वह बोला, तुम इसे मितव्ययता कहते हो? अरे, संदूक के इर्द गिर्द बार बार चलोगे तो फर्श तो घिसेगा। अभी तक कितना फर्श घिस चुका होगा? दूसरे ने पूछा, फिर क्या करें भैया? तो तीसरे ने कहा, जैसा हम करते हैं वैसा ही करो। हमारे पास भी एक पंखा है, संदूक में रखा है, संदूक पर ताला लगा है। घर में जिसको गर्मी लगे वह संदूक के पास जाकर एक स्थान पर खड़ा होकर दाएं बाएं हिलता है, उसे हवा आ जाती है। एक चौथा कंजूस भी वहां था, वह बोला, तुम सब अपव्ययी हो, बहुत खर्चीले हो तुम लोग। हमने पंखा कभी खरीदा ही नहीं। जब भी गर्मी लगती है तब सड़क के पिछले पार जाकर एक मकान में पंखा लगा हुआ है, उसको देख लेते हैं। इसी से तसल्ली हो जाती है कि हवा आ गई और गर्मी शांत हो गई। तो साधु ये नहीं कहते कि ऐसी मितव्ययता देख लेते हैं, ऐसी मितव्ययता भी नहीं कहता, या तो धन पर सांप बनकर नाग बनकर बैठ जाना है, स्वयं ना खाएं और दूसरे को ना खाने दें। धन का खर्च करो अवश्य, परंतु उचित व्यय करो। जितनी चादर हो उससे तनिक कम पाँव फैलाओ, जिससे कुछ बचा भी सकोगे और बचा कर रखोगे, तभी तो दान करोगे, है ना? तो हमें सांप बनकर भी नहीं बैठना है धन पर। धन को इस प्रकार से खर्च किया जाए कि वह थोड़ा बचा भी रहे और बोझ भी ना पड़े। चिंता छोड़ो और प्रसन्न रहो, चिंता छोड़ो और प्रसन्न रहो। रणवीर जब फांसी की कोठरी में था तो इसकी कोठरी के सामने वाली कोठरी में एक युवक बंदी रहता था। उस पर भी कत्ल का मुकदमा चल रहा था। 2 कत्ल उसने किए थे, परंतु उसे आशा थी कि वह छूट जाएगा। अतः वह हर समय गाता रहता था, तू वक्स गुना हुण मेरे, मैं खादे कुकड़ तेरे।
तू बख्श गुना मेरे, मैं खा दे कुकर तेरे। परंतु मुकदमा आगे बढ़ा, उसकी अपील स्वीकार हो गई। दूसरे दिन मैं रणवीर को मिलने गया तो उसके सामने वाली कोठरी में सफेद बाल वाला एक बूढ़ा बैठा था। मैं चकित और अचंभित होकर और व्याकुल, मृत्यु उसकी आंखों में नृत्य सी करती दिखाई देती थी। मैंने उसकी ओर एक बार देखा, समझा कोई दूसरा बंदी आ गया है। मैंने रणवीर से पूछा, वह जो नव युवक बंदी सामने वाली कोठरी में था, कहाँ गया वो? रणवीर ने सामने देखते हुए कहा, वही तो है इस कोठरी में, कल इसकी अपील स्वीकार हो गई, तभी से चुपचाप है, चिंता में डूबा हुआ है, और रात ही रात में इसके काले बाल सफेद हो गए हैं, युवक से वृद्ध बन गया है वह। यह है चिंता का परिणाम। अंग्रेजों की एक कहावत है जिसका अर्थ है, आप रोइए आपकी आपत्तियां बढ़ेंगी, आप मुस्कुराइए तो संकट कम होने लगेंगे, और जोर से हंसिएगा तो संकट समाप्त हो जाएंगे। दिल है तो इस मिजाज का परवरदिगार दे, जो रंज की घड़िया में भी खुशी से गुजार दे। ऐसे ही एक बार का और मुझे किस्सा याद आता है कि व्यक्ति को हमेशा प्रसन्न रहना चाहिए, चाहे जो भी हालात हो, आदमी को हमेशा प्रसन्न ही रहना चाहिए। इसकी एक घटना है, एक घटना मुझे याद आती है, मैं आपको सुनाता हूं कि मैं एक बार एटवाबाद में गया, एक सज्जन के यहाँ ठहरा। मेरा स्वभाव है बच्चों के साथ खेलना, उनके भी बच्चे थे, दिन भर में उनके साथ खेलता रहा। श्रीमान जी दफ्तर गए हुए थे, दिन भर घर के अंदर हंसी के ठहाके घूमते रहे। परंतु जैसे ही 4:30 बजे, वैसे ही एक बच्चे ने कहा, अरे पिताजी के आने का समय हो गया है। दूसरे ने कहा, समय क्या, सामने सड़क पर तो आग रहे हैं। जल्दी से एक बच्चा सोफे के नीचे जा चुका, एक पलंग के नीचे घुस गया, एक मेज के नीचे चला गया, और सन्नाटा छा गया। श्रीमान जी बड़े रोब से आए, सामने वाली कुर्सी पर बैठ गए। मैंने पूछा, तुम्हारे बच्चे तुमसे इतना क्यों डरते हैं? वह देखो, तुम्हें आता देखकर एक मेज के नीचे जा छुपा है, एक सोफे के पीछे दुबका हुआ है, एक पलंग के नीचे घुस गया है। वे श्रीमान जी मुस्कुरा भी नहीं सके, बोले, मैं घर में तनिक रोब से रहता हूं, इससे घर का डिसिप्लिन ठीक बना रहता है। मैंने कहा, तुम्हारा घर है या सेंट्रल जेल? यह क्या रोग जमा रखा है तुमने कि तुम आओ और बच्चों के प्राण सूख जाएं? अरे होना तो चाहिए कि तुम आओ और बच्चे चिपट जाएं, कोई सिर पर चढ़ जाए और कोई हाथ पकड़ ले, कोई कंधे पर बैठे। ऐसा करने से तुम्हारा भी रक्त बढ़ेगा और बच्चों का भी। इसलिए वेद कहता है, सदा प्रसन्न रहो, जो प्रसन्न नहीं रहता उसे गृहस्थ आश्रम में प्रविष्ट होने का, उसमें रहने का कोई भी अधिकार नहीं है, उसको गृहस्थ आश्रम छोड़ देना चाहिए। क्यों छोड़ देना चाहिए गृहस्थ आश्रम? क्योंकि उससे व्रत भी नहीं होता। अब व्रत के ऊपर भी एक कथा है कि एक बूढ़ी माँ ने एक बार व्रत रखा हुआ था और उनके 4 बच्चे थे। एक दिन बूढ़ी माँ ने कहा, जिस दिन उन्होंने व्रत रखा था उसी दिन कहा उन्होंने कि माँ ने व्रत रखा है, उसके लिए कुछ भोजन चाहिए, 2 दर्जन चित्ती वाले केले उसने भेज दिए। किसने भेज दिए? बड़े बेटे ने। बड़े बेटे ने उसकी माँ के लिए केले भेजे क्योंकि माँ ने व्रत रखा हुआ था। क्या भेजे उसने? अच्छे पके हुए।
केले अपनी माँ के लिए भेजे। दूसरे पुत्र ने सोचा, माँ ने व्रत रखा है, अन्न तो वह खा नहीं सकती। उसने 1.5 शेर दूध भेज दिया। अब तीसरे पुत्र को भी याद आया तो उसने सिंघाड़े के आटे से बने हुए 1 शेर पकोड़े भेज दिए। चौथे पुत्र ने फलों का एक टोकरा भेज दिया। रात्रि में चारों पुत्र माँ के पास पहुंचे तो बड़े लड़के ने कहा, माँ तुझे 2 दर्जन केले भेजे थे मैंने। माँ ने कहा, हाँ बेटा, वे मैंने सब खा लिए। मेरा व्रत है ना, रोटी तो मैं खा नहीं सकती। दूसरे पुत्र ने कहा, माँ मैंने 1.5 शेर दूध भेजा था। माँ ने कहा, हाँ पुत्र, वाह मैंने सब पी लिया। तीसरे पुत्र ने कहा, माँ मैंने पकोड़े भेजे थे। माँ बोली, हाँ बच्चा, अच्छे थे पकोड़े, मैंने खा लिए। फिर चौथा पुत्र ने कहा, परंतु माँ मैंने जो वो फलों का टोकरा भेजा था उसमें कई सारे फल थे तरह तरह के, उसमें कुछ तो फल बचे होंगे, तुमने तो थोड़े बहुत खाए होंगे, 1-2 किलो खाए होंगे तुमने, इतना सारा टोकरा था भरा हुआ वो। माँ बोली, कहाँ बेटा, मुझे भूख सता रही थी, अब मैं खाना तो खा नहीं सकती, रोटी नहीं खा सकती, मैं मेरा व्रत है। तो वो फलों का टोकरा मैं अपने पास रख के बैठ गई और धीरे धीरे खाते ही वो टोकरा समाप्त तो हो गया। बड़े बेटे ने यह बात सुनी तो दौड़ा 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 मां मकान की छत पर पहुंचा और पुकार कर कहने लगा, अरे मोहल्ले वालों, अपने अपने बच्चों को संभाल कर रखना, हमारी माँ ने व्रत रखा हुआ है, नहीं तो सबके बच्चे खा जाएंगे। तो व्रत का अर्थ भूखा मरना नहीं है और व्रत का अर्थ ये भी नहीं है कि जो मिले उसको सबको अंदर कर लो, नहीं, यह व्रत का अर्थ नहीं है। व्रत का अर्थ है वचन का पालन। व्रत का अर्थ है कि जो वचन मैंने किया है उसे मैं जीवन भर पूर्ण करूं। व्रत का अर्थ भूखा मरना नहीं है। आप जो व्रत करते हो उस व्रत को निभाना पूरी शिद्दत के साथ। उस व्रत का अर्थ है वचन का पालन। आपने जो वचन दे दिया उसका पूरी शिद्दत के साथ अगर आपने पालन किया, वही व्रत है। व्रत का अर्थ भूखा मरना बिल्कुल भी नहीं है।